हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्टेटर कोनन की टीआरपी बारे में, क्योंकि आप लोग काफी सारे लोग पूछ रहे हो कि इस एनिमे को रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी इंडिया में। साथ ही हम लोग कार्टून नेटवर्क इंडिया के बारे में बात करेंगे और सोनी ए के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है बेब्लेड जनरेशन 4 यानी बेब्लेड एक्स के बारे में, जिसका एक नया टीजर जापान में रिलीज हो चुका है। इसके अलावा बेब्लेड एक्स स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 2023 से जापान में। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं एनिमेस इंडिया के अपडेट के बारे में, क्योंकि एनिमेस इंडिया के ऊपर इन्फिनिटी फोर्स जो है वो 26 मई से प्रीमियर होने वाला है और ये वाला शो आप लोगों को हर दिन सुबह के 11 बजे देखने को मिल जाएगा एनिमेस के ऊपर। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अब सुजुमे मूवी के बारे में, जिसको लेकर एक ऑफिशियल अपडेट आया है कि सुजुमे मूवी ने फाइनली सरपास कर दिया है जेजेके जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इंडिया में। और जेजेके मूवी का पूरा जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इंडिया में वो 8 करोड़ का कलेक्शन था। तो जहां सुजुमे मूवी के बारे में बात करें तो सुजुमे मूवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हम लोग पता चला है कि सुजुमे मूवी ने 10 करोड़ का कलेक्शन किया है इंडिया में, जिसको सुनने के बाद मुझे पता है आप लोग यही कहोगे कि जेजेके जीरो ने तो 10 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। तो अब हम लोगों को इसका लाइफ टाइम कलेक्शन जो है वो 8 करोड़ देखने को क्यों मिल रहा है इंडिया में, तो इसका सीधा सिंपल आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने सुजुमे मूवी के बॉक्स ऑफिस और जेजेके जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात किया था, इस मूवी ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया है, इस मूवी ने 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन वो जो पुराने कलेक्शन बारे में जो बात कर रहा हूं वो असल में कोई ऑफिशियल कलेक्शन नहीं थी, मतलब वो कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा सोर्सेज से पता चला था। और ये जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है ये एक तरह से एक ऑफिशियली कंफर्म कलेक्शन है कि इन दोनों मूवीज ने अब तक इंडिया में इतना ज्यादा कलेक्शन किया है। हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सुजुमे मूवी जैसा हम लोग चाहते थे कि सरपास कर दे जेजेके जीरो को, वैसा उसने इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सरपास कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ और बकवास करने की जरूरत नहीं है। इससे हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है ईटीवी बाल भारत की तरफ से, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हो कि डिटेक्टिव कोनन इतने टाइम से स्टार्ट हो चुका है ईटीवी बाल भारत पर, तो उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको कैसी टीआरपी मिल रही है, उसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते रहते हो। तो मैं आप लोग बता दूं कि डिटेक्टिव कोनन को टीआरपी जो है वो एक तरह से एवरेज मिल रही है, ऐसे मुझे अपने कुछ सोर्सेज से पता चला है। और अब तुम लोग प्रूफ के बारे में कहोगे कि उन लोगों को प्रूफ चाहिए, तो मैं बता दूं कि अब कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई बड़ा क्रिएटर जो है वो टीआरपी को लेकर प्रूफ नहीं दिखा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो मैं आप लोगों को ईटीवी बाल भारत का रिस्पांस बताने वाला हूँ ये एक तरह से मेरे खुद के सोर्सेज के तरफ से पता चला है मुझे। और आप लोग ये मत सोचना कि एवरेज का मतलब ये है कि डिटेक्टिव कोनन को खराब टीआरपी मिल रही है ईटीवी बाल भारत पर, मतलब इतनी भी खराब टीआरपी नहीं मिल रही है जैसा ईटीवी बाल भारत ने सोचा था, वैसी उन्हें डिटेक्टिव कोनन से टीआरपी मिल रही है। लेकिन अब आप लोग ये सोचोगे कि डिटेक्टिव कोनन को टीआरपी जो है वो नारुतो या फिर डीबीजेड काइज जितनी मिलती होगी, तो मैं बता दूं कि उतनी टीआरपी उन्हें नहीं मिल रही है। अब इसके क्या क्या रीजन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि ईटीवी बाल भारत ने बाकी चैनल्स की तरह अपने एनिमे को प्रमोट ज्यादा नहीं किया, मतलब सीएनआई और सोनी को देखा जाए तो सीएनआई और सोनी जो है वो एनिमे को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। लेकिन जहां हम लोग ईटीवी बाल भारत के बारे में बात करें तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे इसका प्रमोशन किया था और साथ ही यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने प्रोमो वगैरह को लॉन्च किया था, उससे ज्यादा उन लोगों ने कोई प्रमोशन नहीं किया है। और साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो डीबीजेड का या फिर नारुतो जैसे एनिमे का प्रमोशन करते हैं, बट कोई भी बड़ा क्रिएटर जो है वो डिटेक्टिव कोनन का प्रमोशन नहीं कर रहा है, जिससे ये चीज बहुत कम ही लोगों को पता चली होगी कि ये इतना कमाल का एनिमे जो है वो ऐसे चैनल के ऊपर भी अब आ रहा है। इसके अलावा जो डिटेक्टिव कोनन का शेड्यूल है जिसमें हम लोग को 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं हर दिन, तो वाला शेड्यूल भी काफी सारे लोग जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग को 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं हर दिन, उसमें से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग डेली 5 एपिसोड को देख पाए। इसके अलावा आप लोग याद ही होगा कि ईटीवी बाल भारत को बहुत सारा हेट मिलने लगा था, जिसमें वो लोग डिटेक्टिव कोनन के एपिसोड को स्किप करके दिखा रहे थे, तो उसकी वजह से भी इनकी टीआरपी जो है वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी। तो ओवरऑल मैं बस यही कहूंगा कि डिटेक्टिव कोनन को जो टीआरपी है वो ना तो ज्यादा मिल रही है ना तो कम मिल रही है, जो कि बस होप करता हूँ कि इस एनिमे को आगे जाकर टीआरपी और मिले। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है सीएनआई को लेकर, जैसे कि उन्होंने देखा कि कार्टून नेटवर्क इंडिया जो है वो डीबीजेड की ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सीन वाली मूवी को लाने वाले हैं 11 जून को। और इसके बाद हम लोग पता चला था कि इस मूवी के बाद हम लोगों को और कोई मूवी देखने को नहीं मिलेगी सीएनआई पर, जिसके बाद से आप लोग पूछ रहे हो कि यार ऐसा क्यों करे सीएनआई वाले, मतलब इतना अच्छा तो लग रहा है मूवीज तो देखने में, तो वो लोग और मूवीज को क्यों नहीं ला रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो उत्तम पासर का डिसीजन है, तो वो जो चाहे वो करेंगे। लेकिन मुझे अभिषेक दत्ता सर से जानने को मिला था कि जो डीबीजेड की मूवी है उनको एवरेज रिस्पांस मिल रहा है अगर कंपेयर करें डीबीजेड काय से, तो इसलिए हो सकता है कि डीबीजेड ब्रॉली मूवी के बाद हम लोग को कोई और मूवी देखने ना मिले। लेकिन अगर हम लोग डीबीजेड ब्रॉली मूवी को सपोर्ट दिखाते हैं तो शायद हो सकता है कि उत्तम पासर जो है वो और ड्रैगन बॉल जी की मूवीज को लाए, और ये भी हो सकता है कि हम लोग को डीबीएस की मूवी भी देखने को मिल जाए टीवी पर। लेकिन इसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि डीबीजेड की एक और मूवी हम लोग को देखने को मिलने वाली है सीएनआई पर, और उस मूवी का नाम है ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न। और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सोर्सेज से पता चला है कि सीएनआई जो है वो डीबीजेड की 5वीं मूवी लाने वाले हैं, और वो मूवी होगी डीबीजेड की फ्यूजन रिबॉर्न वाली मूवी। और अब मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इस अपडेट के ऊपर पूरा यकीन ही कर लो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी आप लोग को देखने को मिल सकती है। पहले अब देखते हैं अगर सीएनआई की तरफ से इस मूवी को लेकर कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है सोनी ये को लेकर, क्योंकि कल नारुतो का 113 एपिसोड और
114 एपिसोड आया था, और अगर सीजन 5 के हिसाब से देखा जाए तो कल हम लोग उसका एपिसोड 7 और 8 देखने को मिला था नारुतो का। और कल का टेलीकास्ट भी बिल्कुल सेम था, कल भी हम लोग को प्रीव्यू वगैरह देखने को नहीं मिला। लेकिन सेंसरशिप के बारे में बात करें तो चोजी का जो ब्लड वाला सीन था उसको थोड़ा बहुत ब्लड को चेंज किया गया था। लेकिन कल के एपिसोड में जो सबसे बड़ा इशू था वो था ऑडियो मिक्सिंग का। मतलब एपिसोड 7 के अंदर तो हम लोग को ऑडियो जो है वो अच्छे से सुनने को मिल रही थी, लेकिन जहां एपिसोड 8 के बारे में बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखने को मिला कि सीन पहले आ रहे थे और जो ऑडियो थी वो बाद में हम लोग को सुनने को मिल रही थी। और लिटरली जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे लगा कि कहीं मेरा टीवी तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि सोनी जो है वो ऐसी गलती करेंगे। बट देख के लगता है कि सोनी जो है वो काफी ज्यादा जल्दबाजी में नारुतो को दिखाए जा रहे हैं, जो कि देखकर सच बताऊं तो काफी ज्यादा बेकार लगा था कल। इसलिए होप करता हूं कि आज के एपिसोड की जो ऑडियो मिक्सिंग होगी वो सही से कर दे सोनी। इसके अलावा आप लोगों को कल के एपिसोड कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और बस आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।